नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कमाल का ट्रिक। दोस्तों, जब भी आपके मोबाइल पे किसी भी व्यक्ति का फोन आता है तो आपके मोबाइल पे पहले से सेट कॉल और ट्यून बजती है, मगर ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा सेट कर सकते हैं कि आपके फोन का कॉल और ट्यून न बज के उस व्यक्ति का नाम अनाउंस हो, मतलब कि उस व्यक्ति का नाम बोले जिस व्यक्ति का कॉल आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे आपके पैसे नहीं कटते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलते हैं। तो जब भी आपके मोबाइल पर किसी व्यक्ति का फोन आए तो आपके फोन में पहले से सेट रिंगटोन न बजकर उस व्यक्ति का नाम अनाउंस हो, उस व्यक्ति का नाम आपको सुनाई दे कि किस व्यक्ति का फोन आ रहा है। ऐसा करने के लिए आपको एक अलग से ऐप डाउनलोड करना होगा, तो इसके लिए चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है कॉलर नेम अनाउंसर। तो यहाँ पे टाइप कीजिएगा कॉलर नेम अनाउंसर। कॉलर नेम अनाउंसर टाइप कर देने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं, तो आपको कोई भी ऐप्स डाउनलोड नहीं कर लेना है, मैं जो बता रहा हूँ आपको वही ऐप्स डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, ये ऐप्स तीसरे नंबर पर आता है कॉलर नेम अनाउंसर टाइप कर देने के बाद, इसी को आपको इंस्टॉल करना है, बाकी ऐप्स को नहीं इंस्टॉल करना है, क्योंकि बाकी ऐप्स फर्जी है, काम की नहीं है। तो यहाँ पे इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप इसे देख रहे हैं कि ये काफ़ी बढ़िया ऐप है और 4.3 का रेटिंग मिला है और 5 मिलियन लोगों ने इसे अब तक डाउनलोड कर चुके हैं। तो इस ऐप को मैं अपने फ़ोन में पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, तो ओपन करके दिखलाता हूँ कि आगे की प्रोसेस किस तरह से करना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक टू अप्रूव परमिशन पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद ये ऐप आपके फ़ोन से कुछ परमिशन लेती है, तो आपको यहाँ पे सिंपली अलाउ अलाउ पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से मिलता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कॉल पे। कॉल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, स्पीक नेम और अनाउंस अननोन नंबर। तो ये दोनों अगर आपके फ़ोन में ऑन नहीं है तो इसे आप ऑन कर दीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नंबर टाइम टू अनाउंस, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप अपने अनुसार से सेट कर लीजिएगा कि उस व्यक्ति का आपको कितने बार नाम सुनाई दे। तो यहाँ पे मैं 4 बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से आते हैं बैक, और इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से जाना है ऑडियो में। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सेट स्पीच रेट और सेट पिच। तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहता है, आप इसे छेड़छाड़ मत कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ से आपको वॉल्यूम सेट करना होगा, तो यहाँ पे इसे फुल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अनाउंस इफ फोन ऑन साइलेंट और वाइब्रेट। तो यहाँ पे आप इसे अपने अनुसार से सेट कर लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे कि आपके फोन साइलेंट में हो तो उस व्यक्ति का नाम सुनाई दे या फिर न दे। और इसके बाद सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिलता है अनाउंस ओनली इफ ब्लूटूथ कनेक्टेड, मतलब कि आपके फोन से जब ब्लूटूथ कनेक्ट हो तभी कोई व्यक्ति फोन करे तो उस व्यक्ति का नाम सुनाई दे, बाकी समय में नहीं दे। आप इसे अपने अनुसार से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं यहाँ से बैक, तो यहाँ पे हमें अगला ऑप्शन मिलता है मैसेज का, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं मैसेज पे। तो यहाँ पे दोस्तों, जो पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहता है आप उसे छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं नेम प्रीफिक्स में कि जो मैसेज आए उसमें क्या नेम सुनाई दे। और उसके बाद आते हैं यहाँ से बैक, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है व्हाट्सएप का। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके WhatsApp पे जो भी व्यक्ति मैसेज करे तो उस व्यक्ति का नाम सुनाई दे या न दे, आप यहां से इसे ऑन करके सेट कर सकते हैं। इससे एक और फायदा होता है कि आपके WhatsApp पे कोई भी मैसेज आता है तो उसे ये खुद पढ़ के बताता है कि आपके फ़ोन पे क्या मैसेज आया हुआ है, तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे अंतिम में एक ऑप्शन मिलता है स्पीच सिस्टम टेक्स्ट, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं सिस्टम टेक्स्ट पर, और यहाँ पर साउंड को टेस्ट करते हैं कि किस तरह का साउंड हमें मिलने वाला है। This is a test message from your friend. तो यहाँ से आ जाते हैं अब हम बैक। और दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे जरूरी सेटिंग करना होता है कि यदि आपके फोन की रिंग वॉल्यूम बहुत काफी तेज हो और आप पे जब भी कोई व्यक्ति फोन करे तो आपकी फोन की वॉल्यूम बहुत काफी तेज होने की वजह से आपको वो नेम प्रॉपर तरीका से अच्छे तरीके से न सुनाई दे। तो आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा साउंड एंड वाइब्रेशन पे, और अपने रिंग वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपने रिंग वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर ले रहे हैं। रिंग वॉल्यूम को कम कर देने के बाद मैं अपने फ़ोन पे दूसरे नंबर से आपको फ़ोन करके दिखलाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हूँ और आपको दिखलाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। Home is calling. Home is calling. Home is calling.
तो दोस्तों देख चुके हैं कि ये ऐप किस तरह से काम करता है और कितना मज़ेदार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मैं अपने चैनल पर मोबाइल से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, अगर आपको मोबाइल से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में जाके कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।